हेलो फ्रेंड्स, अगर हमारे पास ब्लाउज का जो नाप आया हुआ है वो एक हाई नेक पर है, यानी पीछे से डीप गला नहीं है और हमको कटिंग करनी है डीप गले में, और हमने इसका शोल्डर नापा, इसका शोल्डर आ रहा है 15 इंच, तो हम क्या करेंगे, 15 इंच यहाँ से निशान लगाएंगे मार्जिन लेकर, और इसका गला हमको डीप करना है 9.5 इंच, एक निशान लगाएंगे हम 10 इंच पर। 10 इंच पर निशान लगाने के बाद हमारा ये जो आ रहा है 9.5 का चौथा भाग आएगा, 2.5 इंच में एक सूत कम, 2.5 इंच में एक सूत कम, यहाँ से हम निशान माइनस कर देंगे। अब हमारा जो शोल्डर आ रहा है 5.5, 5.5 हम इसमें शोल्डर रख कर यहाँ से इस तरह से 6.25 इंच डीप करके इसका ब्लाउज का बैग पूरा कटिंग कर लेंगे। इकतालीस साइज का ब्लाउज है, जिसकी बैक आएगी 2 इंच, इसमें हम लूजिंग कम करेंगे तो हमारा आएगा 39 आएगा, 39 का चौथा भाग आएगा 10.5 इंच, 10.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, और वेस्ट है हमारी 8.5, यहाँ मार्जिंग लेकर इस तरह से निशान लगाएंगे। अब हमारा ये पूरा बैक का निशान लग चुका है। अगर हमारा ये हाई नेक होता तो हमारा नाप आता यहाँ से 7.5, अब इसमें हमने 2.5 इंच में एक सूत कम माइनस कर दिया है, तो ये हमारा आ रहा है 5.25। जितना भी आपको डीप करना है, जितना भी आप डीप करेंगे उसका चौथा भाग इस तरह से, आपको अगर 12 डीप करना है तो चौथा भाग आएगा आपका 3 इंच, 3 इंच आप इस साइड से यहाँ से कम करेंगे, 3 इंच कम करने के बाद जितना भी आपका शोल्डर बच रहा है उसमें आप निशान लगा दें। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था,